जो पढ़ेगा सुनेगा इसे, वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से सुना रहे नवम अध्याय का सार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का नवा अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु के निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी शान लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था, उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा और तू उसका उत्तर भी नहीं देता, मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ अस्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं अस्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपनी भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अनियंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।